Good morning, students. I'm your teacher of EVS, and today I'm going to start your new chapter. And your new chapter is chapter 9, houses. आज जो हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9, वो क्या है? हाउसेस. हाउसेस मीन्स घर. तो घर क्या होता है? घर हम लोगों को रहने का जगह देता है. बच्चों, घर हमारे घर में हम लोग सारा सामान रखते हैं. घर हम लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाते हैं. घर में हमारे बहुत सारे रूम होते हैं और उस रूम का अलग अलग नाम होता है. ये सारा चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. फिर कितने तरह के घर होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे. तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर क्या बोल रहा है. प्रिया, हैव यू एवर मेड अ हाउस विद सैंड? वो कह रही है, क्या तुमने कभी सैंड से घर बनाया? सैंड का मतलब होता है बालू. ये बोलती है, यस नेहा, आई मेड अ सैंड कैसल विच सैंड ऑन द बीच. कह रही है कि हाँ, मैंने सैंड कैसल बनाया है, जो कि कहाँ रहता है? बीच. बीच क्या होता है? समुद्र के किनारे को हम लोग बीच बोलते हैं. तो ये बोल रही है कि हाँ नेहा, मैंने बीच के किनारे बालू से सैंड कैसल बनाया है. ठीक है, अब तो समझ में आ गई. ये से क्या पूछी? ये से पूछी कि क्या तुमने कभी सैंड का कुछ बनाया? तो इसने बोला कि हाँ, मैंने बीच के किनारे सैंड कैसल बनाया है. अ हाउस इज वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली. एक घर जहाँ पर हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं. इट गिव अस शेल्टर. ये हम लोगों को रहने का जगह देता है. क्या देता है? इट गिव्स अस शेल्टर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीप्स एंड इंसेक्ट बाइट्स. ये हम लोगों को किससे किससे बचाते हैं? गर्मी, ठंडा, बारिश, चोरों और इंसेक्ट बाइट्स, कीड़े मकौड़े काटने से. ये सब चीज से बचाते हैं. सम हाउसेज आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े हाउस होते हैं तो कुछ छोटे हाउस होते हैं. देर आर मेनी डिफरेंट रूम इन अ हाउस. हमारे घर में बहुत तरह के रूम होते हैं. क्या क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं. ड्रॉइंग रूम, जहाँ पे गेस्ट आकर बैठते हैं, जहाँ पे सारे फैमिली बातचीत करते हैं. डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं. किचन, जहाँ पर खाना बनता है. बेडरूम, जहाँ पर हम लोग सोते हैं. बाथरूम, जहाँ पर हम लोग नहाते हैं. स्टडी रूम, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं. स्टार्ट करते हैं क्या है नेक्स्ट. टाइप ऑफ हाउसेस. टाइप ऑफ हाउसेस का मतलब होता है कितने प्रकार के घर होते हैं. देयर आर डिफरेंट मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस. बहुत तरह का, अलग अलग तरह का घर पाए जाते हैं और घर होते हैं. अ हाउस इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. क्या लिखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. एक घर जो है वो अलग अलग तरह से बने हुए होते हैं. अलग अलग मटेरियल्स है, लाइक सीमेंट, ब्रिक, आयरन, स्टील, ग्लास, रॉड एक्सेट्रा. ये सब सारी चीज क्या है? मटेरियल है. और यही मटेरियल से हमारा घर बना हुआ होता है. तो पहला किस तरह का हाउस होता है? कच्चा हाउस. कच्चा हाउस हो गया जिसको हम लोग मिट्टी का घर बोलते हैं. अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ वुड, स्ट्रॉ एंड मड. वो लकड़ी का बना हुआ होता है. स्ट्रॉ मतलब घास फूस और मड का मतलब क्या होता है? मिट्टी. तो हमारा घर कच्चा हाउस ये तीनों चीज से बना हुआ होता है. इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रांग नहीं होता है. इट इज टेम्पररी हाउस. ये क्या होता है? टेम्पररी हाउस होते हैं, मतलब कभी भी टूट सकते हैं. कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है. अ हट इज अ टाइप ऑफ कच्चा हाउस. मेरा हट क्या है? टाइप ऑफ कच्चा हाउस है कि झोपड़ी. हट को क्या बोलते हैं? झोपड़ी. तो झोपड़ी मेरा क्या है? कच्चा हाउस का टाइप है. पक्का हाउस क्या होता है वो पढ़ते हैं. पक्का हाउस भी क्या है? एक हाउस का टाइप है. अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, ग्लास, इटीसी. ये किसका किसका बना हुआ होता है पक्का हाउस? ईटा, सीमेंट, आयरन, ग्लास, ये सब का बना हुआ होता है. इट इज अ परमानेंट हाउस. ये क्या है? परमानेंट हाउस है. ये लंबे समय तक क्या होता है? कुछ भी टूटता फूटता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं. और फ्लैट इज अ पक्का हाउस. और फ्लैट क्या है? एक पक्का हाउस है. ये फर्दर क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे. और क्वेश्चन आंसर का मैंने पीडीएफ भेज दिया है, एक दो आप लोग देख लेना. थैंक यू.